आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं और जो हमको पढ़ना है वो है सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको देखना है। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन को देखना है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये, है ना। तो अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने ऑर्डिनो के साथ में, जो हम लोगों ने ऑर्डिनो बोर्ड के अंदर प्रोग्रामिंग करी है, तो उसमें हम लोगों ने दो टाइप की डिवाइसेस, ये हमारा ऑर्डिनो बोर्ड था, और इस ऑर्डिनो बोर्ड के साथ में हमने डिजिटल टाइप की डिवाइसेस और एनालॉग टाइप की डिवाइसेस को हम लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश करी, और कुछ स्पेशल डिवाइसेस जैसे कि LCD हम लोगों ने कनेक्ट की थी और उस पर हम लोग अपने डेटा को आउटपुट में प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये मेनली हम लोगों ने किया था किसके ऊपर, हमारे उसके जो भी डिवाइसेस थी उनको कनेक्ट करा था डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के साथ में। ठीक है, अब मुझे जो है नेक्स्ट टाइप की डिवाइसेस जो कनेक्ट करना है, जो डिजिटल और एनालॉग जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है उसके अलावा रहेंगी, वो ये कि देयर विल बी सम स्पेशल डिवाइसेस, जैसे कि हमारा जो आर्डुइनो बोर्ड है इसके अंदर अपना एक खुद का माइक्रो कंट्रोलर है। हम लोग इसको म्यूसी के नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। और ये माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जब हमने देखा था तो हम लोगों ने बोला था कि ये अपने आप में कंप्यूटर है, इट इज अ कंप्यूटर इन इटसेल्फ। ठीक है, इट इज अ सिंगल चिप कंप्यूटर, हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है, और उस पे हम लोगों ने डायरेक्टली डिजिटल एनालॉग डिवाइसेस को चला के देखा था, LCD को चला के देखा था। बट देयर विल बी सम स्पेशल डिवाइसेस जो कि कैसी होंगी, ये डिवाइस नंबर टू है जिसको मुझे इसके साथ में कनेक्ट करना है, और जो डायरेक्टली डिजिटल और एनालॉग पे मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, तो वो कौन सी डिवाइसेस होंगी, वो डिवाइसेस जो स्पेशल डिवाइसेस वो होंगी जो जिसके अंदर अपना खुद का एक माइक्रो कंट्रोलर पहले से लगा हुआ है। जैसे हमारे पास डिजिटल और एनालॉग डिवाइसेस थी, इनके अंदर खुद का कोई माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता था, ये डायरेक्टली सिग्नल हमारे माइक्रो कंट्रोलर को मिलते थे और हम उसको रीड करते थे या राइट उसके हम लोग उस डिवाइस पे सिग्नल भेजते थे। बट ये जो जो डिफरेंट टाइप की डिवाइस हमारे सामने आएगी, इन डिवाइस के अंदर खुद का माइक्रो कंट्रोलर है, और अब मुझे क्या करना है, इस माइक्रो कंट्रोलर का कनेक्शन जो है मेरे जो जिसकी मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, ऑर्डिनो वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके साथ में मुझे जो है इसका कम्युनिकेशन करवाना है। मतलब मुझे इस माइक्रो कंट्रोलर से ऑर्डिनो की तरफ डेटा भेज, मतलब ये डेटा आएगा, और मैं यहां पे इसमें इस साइड के हिसाब से बात करूं तो मैं यहाँ पे रिसीव का प्रोग्राम जो है इस साइड में मुझे रिसीव का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि कैसे डेटा रिसीव होता है, और दूसरे केस में मैं मुझे ये करना होगा कि मैं यहां से इस माइक्रो कंट्रोलर के पर कुछ सिग्नल भेजूंगा और मुझे यहाँ पे ट्रांसमिट का प्रोग्राम जो है, कैसे हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ये प्रोग्राम सीखना है। मतलब मुझे किसी जो स्पेशल टाइप की डिवाइस है जिसके अंदर प्री बिल्ड प्री फीडेड माइक्रो कंट्रोलर है, जिसके अंदर ऑलरेडी कोडिंग करी हुई है, और उसके अंदर उस डिवाइस से कैसे मैं डेटा रिसीव कर सकता हूँ और उस डिवाइस पे डेटा कैसे ट्रांसमिट कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा इसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसके पहले मुझे करना क्या है, मुझे जो है वो जो मैंने बताया ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम जो है वो मुझे करना है, तो वो कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो हमने एक साइड पे जैसे कि एक ऐसी डिवाइस, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, मुझे ये मेरा आर्डिनो बोर्ड है और इस आर्डिनो बोर्ड के ऊपर हमने एक LED को लगा रखा है। एलईडी आउटपुट डिवाइस है, डिजिटल में आउटपुट डिवाइस, इसको हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है मैं इस आर्डिनो के कनेक्शन करने में माइक्रो कंट्रोलर पे कनेक्ट करके मैं यहां पे चाहूं तो एक स्विच लगा के इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूं, बट मुझे काम ये करना है कि मैं दो ऑप्शन हो सकते हैं, मैं इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूं जो मेरा डेस्कटॉप है, इस आर्डिनो बोर्ड को मैं ये चाहता हूं कि मैं डेस्कटॉप के साथ में कनेक्ट करूं, चाहे वो वायरलेस कनेक्शन हो या वायर्ड कनेक्शन हो, मैं इन दोनों के बीच में इन दोनों को कनेक्ट करूं, और यहां पे जो कीबोर्ड है इस कीबोर्ड पे मैं A प्रेस करूं
तो ये एलईडी जो है ये ऑन हो जाए, ए प्रेस करने पे एलईडी ऑन हो जाए, मैं बी प्रेस करूं तो एलईडी ऑफ हो जाए, ये प्रोग्राम करना है। मान लो ये काम वायर्ड, आप वायर्ड कनेक्शन करोगे तो भी हो सकता है, और मैं इसको वायरलेस कनेक्शन करूं तो भी ये हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसका प्रोग्राम मुझे बनाना है। या दूसरा काम मैं ये चाहूं कि मैं मेरे मोबाइल फोन के अंदर, जैसे कि हमने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर, जैसे हम जानते हैं कि हम सीरियल के थ्रू कनेक्ट करके सीरियल से डेटा जो है, मतलब हमारे अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ के माध्यम से डेटा जो है वो हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो वहां पे लेट से हमारे पास में कोई प्री बिल्ट ऐप है या हम लोगों ने खुद ऐप बनाई है और हम ये चाहते हैं कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लूटूथ है उसको हम लोग जो है हमारे आर्डिनो पे भी, हम आर्डिनो साइड पे भी हम एक क्या करेंगे, ब्लूटूथ लगा देंगे। यहाँ पे भी हम लोग HC05 करके एक ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है, वो ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो मैं अपने आर्डिनो के साइड पे लगा दूंगा, और इस ब्लूटूथ का मेरे मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ में वायरलेस कनेक्शन होगा, और अल्टीमेटली मेरे मोबाइल ऐप से मैं एक सिग्नल भेजूंगा जो यहां से ट्रेवल होके यहां जाएगा, और अल्टीमेटली वो जो है ये ब्लूटूथ जो है फिर किसको भेजेगा, अपने आर्डिनो बोर्ड को भेजेगा, और यहाँ पे जो भी सिग्नल आएगा उसके हिसाब से मैं एलईडी को ऑन करना चाहता हूँ, ऑफ करना चाहता हूँ, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो हो सकता है बजर हो, बजर के अंदर बजर मतलब साउंड करना स्टार्ट करेगा या नहीं हो जाएगा, या आप इसके अंदर एक रिले लगा दो, अगर आप इस एलईडी की जगह एक रिले बोर्ड लगा लो तो उस रिले बोर्ड से आप क्या कर सकते हो, आपके घर के अप्लायंसेस जो हैं उनको चालू बंद कर सकते हो, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि रिले बोर्ड जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो कैसे काम करता है, चालू और बंद, तो हम आर्डिनो से इस पे सिग्नल चालू और बंद का भेज देंगे जैसे एलईडी को भेज देते, और इस रिले पे कनेक्टेड जो भी डिवाइस रहेंगे हमारे घर के, एसी कंपोनेंट, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें हम लोग वायरलेसली भी चालू बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये मोबाइल ऐप के थ्रू हो सकता है, दूसरा डेस्कटॉप के थ्रू हो सकता है, ये कैसे होता है इसको देखना, ये पहला प्रोग्राम है, दिस विल बी द प्रोग्राम नंबर वन, ये प्रोग्राम नंबर वन हम लोग एक बार बनाने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा प्रोग्राम जो है वो हम लोग क्या बनाएंगे, हम दूसरा प्रोग्राम जो है इसके अंदर बनाएंगे कि हम लोग ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है, और इस आर्डिनो बोर्ड से हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले लेट से हमारा एक सेंसर लगा रखा है हमने, कोई भी सेंसर ले लो, आप टेम्परेचर सेंसर ले लो या PIR सेंसर ले लो या IR सेंसर ले लो, कोई भी सेंसर है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या करी थी, रीड करी थी, यहाँ पे आर्डिनो के साइड पे रीड करी थी, और उसके हिसाब से हमको कुछ भी सिग्नल चालू बंद करना है, मोटर को चालू बंद करना है तो वो कर सकते हैं, हम लोगों ने करा है ऑलरेडी, या चाह रहे थे तो हम LCD पे भी उस डेटा को प्रिंट करवा सकते थे, LCD पे डेटा प्रिंट करना हमको आता है, बट अब हम ये करना चाहते हैं कि ये लेट से मेरे पास में डेस्कटॉप जो पहले यूज हुआ है वही डेस्कटॉप पे मैं ये चाहता हूं कि ये वाले इस डेस्कटॉप का कनेक्शन आपके आर्डिनो बोर्ड के साथ में जो भी आप वायर्ड या वायरलेस करना चाहो, वायरलेस कैसे होगा, ब्लूटूथ के थ्रू हो सकता है, और भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको मैं बताऊंगा आपको, उनके थ्रू कर सकते हैं, या हम लोग इसके थ्रू USB के थ्रू, जैसे प्रोग्रामिंग करते समय इसको कनेक्ट करते हैं ना आर्डिनो बोर्ड को अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ में, तो वैसे USB के थ्रू कनेक्ट करें, और हम ये चाहते हैं कि जो सेंसर की वैल्यू है ये सेंसर की वैल्यू लोकली यहाँ पे प्रिंट हो तो अच्छा है, बट हम उस वैल्यू को यहाँ पे डेस्कटॉप के साइड में देखना चाहते हैं, यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट हो, तो मुझे यहाँ पे अब लॉजिक क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लॉजिक ट्रांसमिट करने का लॉजिक लिखना पड़ेगा, ट्रांसमिट मतलब आर्डिनो के साइड से डेटा को ये जो भेजना है मुझे ये भेजेंगे कैसे यहां से, वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस हैं स्पेसिफिक टाइप की डिवाइसेस, ये डिवाइसेस के साथ में जो हम लोग डेटा ट्रांसमिट रिसीव कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, और कम्युनिकेशन में भी स्पेशल जो एक हम लोग स्पेसिफिक जो कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें आप जो है डेटा को बिट बाय बिट जो है ट्रांसमिट करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, एक बिट बाय बिट आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो, एक के बाद एक ट्रांसमिट करते हो एक पॉइंट से दूसरी जगह पे, उसको हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं, सीरियल मतलब एक के बाद एक, इसको बिट बाय बिट का मतलब एक के बाद एक। तो जो भी मुझे डेटा भेजना है, जैसे मैंने बोला था कि आपका
आपका माइक्रोकंट्रोलर जो है वो 8 बिट का डेटा एक साथ एक्सेप्ट कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो ये जो 8 बिट है ये लाइन बाय लाइन जो है ये एक के बाद एक इस सीरियल कम्युनिकेशन चैनल जो भी वायर्ड या वायरलेस है वहां से ट्रांसमिट होगी और यहाँ पे फिर हम वो अपने आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर, इसकी प्रोग्रामिंग हम नहीं कर रहे, यहाँ पे एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होगा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए दोनों के लिए, वो सॉफ्टवेयर जो है वो रिसीव करेगा और उसको अल्टीमेटली प्रिंट कर देगा। अगर मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप तो हम खुद बनाएंगे मान लो, या हमने बनी बनाई ऐप इनबिल्ट प्रीबिल्ट ऐप ले ली है तो उसमें भी वो बना बनाया ऐप रहेगा जो कि रिसीव कर सकता है ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो कंप्यूटर के एंड पे ये एलसीडी की वैल्यू को देखना चाहते, सेंसर की वैल्यू को हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है और स्पेसिफिक हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और इस सीरियल कम्युनिकेशन पे बेस्ड, सीरियल कम्युनिकेशन पे बेस्ड जो है देर आर मल्टीपल डिवाइसेस, देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ डिवाइसेस जिसके ऊपर सीरियल कम्युनिकेशन के माध्यम से डेटा जो है वो ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। मल्टीपल डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आप सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू ही डेटा ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हैं। सर एग्जांपल बताइए, तो देर आर सो मेनी डिवाइसेस, लाइक हमने अभी एग्जांपल देखा ब्लूटूथ जो है उसका कम्युनिकेशन वायरलेस होता है और वो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए काम होता है और वो जो है सीरियल कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। फिर आपका आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल आते हैं वो होता है आरएफआईडी, नाम सुना होगा आपने आरएफआईडी, आरएफआईडी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आजकल कार के अंदर जो टैग लगते हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे फास्ट टैग बोलते हैं उसको, वो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी होती है तो वो होता है। फिर फिंगरप्रिंट मॉड्यूल जो आपके स्कूलों के अंदर जो आपके टीचर जिसके अंदर अटेंडेंस करते हैं फिंगरप्रिंट मॉड्यूल, वो भी एक सीरियल डिवाइस है। फिर आपका ZigBee एक 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 डिवाइस होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए काम करता है, वो भी एक वायरलेस डिवाइस है ना। फिर GSM, GSM आपके मोबाइल फोन के अंदर जो जो पूरा सर्किट लगा हुआ होता है वो एक प्रोटोकॉल, GSM प्रोटोकॉल जो है वो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो यूज में आता है, वो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। मतलब हम आर्डिनो से GSM के ऊपर डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हैं। आपकी कार के अंदर GPS होता है जिसको हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, जो सेटेलाइट से डेटा रिसीव करके आपको आपकी स्पेसिफिक पोजीशन लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के फॉर्मेट में बताता है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के फॉर्मेट में बताता है, वो जो है GPS भी एक क्या है, एक सीरियल बेस्ड डिवाइसेस है। तो अल्टीमेटली जो डिवाइस है, मतलब ये डिवाइस सीरियल बेस्ड डिवाइस है, मतलब इन सभी डिवाइसेस के अंदर अपना एक माइक्रो कंट्रोलर होगा, एक माइक्रोकंट्रोलर प्री प्रोग्राम्ड माइक्रोकंट्रोलर होगा, और उस माइक्रोकंट्रोलर के उस डिवाइस से हम लोग जब आर्डिनो के साइड में डेटा ट्रांसमिट रिसीव करने की कोशिश करेंगे तो वो डेटा ट्रांसमिट रिसीव किसके थ्रू होगा, सीरियल के माध्यम से होगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सीखना यह है कि कोई भी सीरियल डिवाइस है उस पे डेटा को ट्रांसमिट कैसे करते हैं और उससे डेटा रिसीव कैसे करते हैं। तो अगर मुझे ट्रांसमिट करने का तरीका पता चल गया, रिसीव करने का तरीका पता चल गया, तो हम इनमें से आगे जाके दूसरी डिवाइसेस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए आर्डिनो के साथ में। बट वो डिवाइस कैसे काम करती है, किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करती है, वो सब चीजें आगे जाके डिपेंड होती है, और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो पर्टिकुलरली जो हमारा सेकेंड मॉड्यूल जिसके अंदर हम आर्डिनो को सी प्रोग्रामिंग से समझते हैं, जो हमारे एडवांस बैच वाले स्टूडेंट जो सी प्रोग्रामिंग करके आर्डिनो समझ रहे हैं, वो इन टाइप की एडवांस डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से आगे जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे और फीचर्स मिल जाते हैं, बट जो तरीका है वो सेम रहने वाला है, ट्रांसमिट करने का तरीका सीखना है, रिसीव करने का तरीका सीखना है। तो हम लोग जो है ये वाला काम जो है इसको हम लोग बोलेंगे ये सेंसर की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग ट्रांसमिट का कोड बनाएंगे, और ये एलईडी को जो चालू बंद करने वाला जो प्रोग्राम है वो हमारा रिसीव का प्रोग्राम होगा। ये कैसे बनता है इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको रिज्यूम करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन दिखाता हूं आप लोग को। तो यहां पे हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग अपने जो ये टिंकर कैड है यहां पे उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखो क्या करना है, क्रिएट न्यू सर्किट पे गए हम लोग यहां पे,
और क्रिएट न्यू सर्किट पे जाके हमें जो है, जैसे हम लोग पहले यूज करते थे यहाँ पे, हम लोग वैसे ही यूज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डिनो बोर्ड लेके आ गए या ऑर्डिनो यूनो लेके आ गए हम लोग यहाँ पे, और ऑर्डिनो यूनो के साथ में लेट से हमने एक डिवाइस कनेक्ट कर दी, हम लोगों ने लेट से एलईडी कनेक्ट कर दी। एलईडी का एक टर्मिनल जैसे हम जानते हैं ऑलरेडी ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल लेट से हम लोगों ने 8 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया। हम लोग पहला प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा वाला, रिसीव करने वाला प्रोग्राम। हम ऑर्डिनो के साइड में रिसीव करेंगे, ए और बी और ए बी सी डी रिसीव होगा और उसके हिसाब से आपकी एलईडी चालू बंद होगी, ठीक है। तो अब इसका कोड कैसे होगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो कोड पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को जो है इनपुट के अंदर, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो शायद यहाँ पे सीरियल, देखो ये जो है अवेलेबल, नंबर ऑफ सीरियल कैरेक्टर अवेलेबल, रीड सीरियल, देखो रीड फ्रॉम सीरियल दिख रहा है आपको, रीड फ्रॉम सीरियल है ना। तो ये रीड फ्रॉम सीरियल जो है ये क्या होता है इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कोड कैसे बनाएंगे कि इफ, सबसे पहले हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पे जाएंगे, इफ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। लेट्स से हमने वो एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जेड नाम से, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जेड नाम से, और मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो है इफ इक्वल टू वाला ऑपरेटर लगाऊंगा मैं यहाँ पे, मैथ के अंदर जाके इसके अंदर इक्वल टू वाला ऑपरेटर लगाने की कोशिश करूंगा, और मैं ये चेक करने की कोशिश करूंगा कि रीड रीड करो, रीड करो जेड के अंदर वैल्यू, कौन सी वैल्यू रीड करो, सीरियल से जो वैल्यू आ रही है इसको रीड करो, सीरियल से वैल्यू जो आ रही है इसको रीड करने की कोशिश करो। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कहीं फिट बैठ रहा है क्या, इनपुट के अंदर नंबर ऑफ सीरियल कैरेक्टर, ये आपके इसमें फिट होके देख रहा है क्या, देखो एक बार चेक करके देखो आपके इसमें फिट हो रहा है क्या, मेरे इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो एम ब्लॉक का कोड कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग रोबोट पे गए, आर्डिनो प्रोग्राम पे गए, कंट्रोल पे गए, फॉरएवर लेके आ गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। लेट से यहाँ पे पहले से एक वेरिएबल बना हुआ है, मेक अ वेरिएबल पे नाम जाके हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल बना दिया हम चाहे तो अभी मेरे पास में ऑलरेडी जेड नाम का वेरिएबल बना हुआ है तो मैं इसको यहां से यूज कर सकता हूँ। मैंने बोला कि वहां से आने वाली वैल्यू जो प्रोग्राम क्या बना रहा हूँ कि मैं अपने कीबोर्ड से, अपने लैपटॉप के या डेस्कटॉप के कीबोर्ड से ए और बी भेजूंगा, किसके ऊपर, आर्डिनो के ऊपर, क्योंकि आर्डिनो हमारे लैपटॉप से डायरेक्टली यूएसबी के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। तो जैसे ही कनेक्टेड प्रोग्राम एक बार डल गया तो कनेक्टेड रहा हुआ है, क्योंकि प्रोग्राम उससे कनेक्टेड था तो उसके बाद में भी हमने यूएसबी हटाई नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे कीबोर्ड से हम ए प्रेस करें तो एलईडी चालू हो जाए आर्डिनो बोर्ड की तरफ, बी प्रेस करें तो एलईडी बंद हो जाए। तो उसके लिए मुझे अपने आर्डिनो पे क्या करना पड़ेगा, रिसीव करने का कोड बनाना पड़ेगा। रिसीव करने का कोड कहां पे आएगा, देखो सीरियल, चूंकि कम्युनिकेशन सीरियल कम्युनिकेशन है तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए रीड सीरियल रीड बाइट करके देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, सीरियल रीड बाइट नाम से ऑप्शन दिख रहा है। तो हमने क्या करा, जेड की वैल्यू को सेट कर दिया जो भी सीरियल से डेटा आ रहा है उसके थ्रू। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि जो डेटा आ रहा है वो क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इफ में जाके मैंने एक ऑपरेटर चेक करवाना है तो मैंने इक्वल टू ऑपरेटर लगा दिया, और यहाँ पे मैंने चेक करा है कि इफ जेड की वैल्यू, अगर जेड की वैल्यू में, जेड के अंदर जो है वहां से आने वाली वैल्यू क्या हो, एक मैंने लिख दिया ए हो, अगर वहां से आने वाली वैल्यू क्या हो, ए हो, तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि मेरी जो 9 नंबर पिन पे एलईडी चालू है, जो एलईडी लगी हुई है वो हाई हो जाए, और अगर वहां से क्या आए, बी आए, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया, मैंने इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दिया और मैंने बोला कि बी आए तो क्या हो जाए, एलईडी बंद हो जाए। अब इस कोड को मुझे कंटिन्यूअसली चला के देखना है, कहां पे चला के देखना है कि ये टिंकर कैड पे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके अंदर अपलोड टू ऑर्डिनो पे जब क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखो ये पूरा की पूरा कोड आ गया आपके पास में, जैसे हमने पहले भी यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे एलसीडी के अंदर हम करते थे वैसे ही हम यहाँ का कोड जो है इतना इतना कॉपी कर लेंगे, और अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे, अब हम लोग जाएंगे आपके आपके टिंकर कैड के ऊपर, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि कोड में जाके, कोड
कोड में जाके यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये पुराना जो भी लिखा हुआ इसको हटा दिया और हमारा नया वाला जो कोड है वो हमने वहां से लाके पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक एलईडी कनेक्ट कर दी है 9 नंबर पिन के ऊपर। एलईडी का आपका एनोड जो है 9 नंबर पे, कैथोड 10 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट सिमुलेशन मैंने यहाँ पे किया, स्टार्ट सिमुलेशन किया और देखो यहाँ पे नीचे सीरियल मॉनिटर करके एक ऑप्शन आता है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर मतलब यहाँ से डेटा सेंड करने का ऑप्शन है, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ए तो ये आर्डिनो बोर्ड पे डेटा सेंड करेगा ए नाम से। तो जैसे ही मैं ए लिखा और यहाँ पे सेंड बटन दबा दिया मैंने तो देखो एलईडी आपकी चालू हो गई यहाँ पे। जैसे ही मैंने बी लिखा और सेंड दबा दिया तो आपकी एलईडी बंद हो गई। फिर मैंने ए लिखा और फिर मैंने ए वापिस दबा दिया तो आपकी एलईडी चालू हो जाएगी। ऐसे करके हम लोग सीरियल से डेटा कैसे रिसीव होता है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर अगर मुझे इसको ब्लूटूथ के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सेम कोड, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, सेम कोड जो अभी हम लोगों ने बनाया है यही सेम कोड काम में आएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ ब्लूटूथ जो आपका HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है उस ब्लूटूथ मॉड्यूल को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपके आर्डिनो के साइड में, ठीक है। और आपके मोबाइल, मोबाइल पे तो ऑलरेडी एक ब्लूटूथ मतलब हमारे मोबाइल फोन में तो ब्लूटूथ रहता ही है, तो हम अपने मोबाइल फोन के देखो कनेक्शन कैसे होंगे, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड रहेगा, सेम प्रोग्राम कैसे चलेगा, वायरलेसली कैसे चलेगा ध्यान देना, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है और हमें अगर इसको वायरलेस, आप लोग के पास में सबके पास में ब्लूटूथ भी अवेलेबल है तो आपको चला के कैसे देखना है, HC05 जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसको आप में उसके अंदर टोटल आपको 4 पिन कनेक्ट करनी है, उसमें से एक पिन जो है ग्राउंड, तो हम इस ग्राउंड वाली पिन को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक दूसरी पिन जो है VCC तो हम उसको आर्डिनो के VCC मतलब 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। ये VCC वाली पिन है सेकंड नंबर, वो जहां पे भी लिखा हुआ हो आगे पीछे में टेंशन मतलब VCC या 5 वोल्ट को 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है, ग्राउंड को ग्राउंड से करना है। अब इसके अंदर आपको 2 पिन और मिलेगी, RX और TX, RX नाम की पिन मिलेगी और TX नाम की पिन मिलेगी। इसको क्या करना है ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इन दोनों RX TX को हमारे आर्डिनो बोर्ड के अंदर भी एक RX और TX नाम की पिन होती है। आप ध्यान से देखोगे अगर आपके पास में आर्डिनो बोर्ड हो, या मैं आपको दिखाता हूं, अगर आर्डिनो बोर्ड आपको दिखाता हूं मैं, ये देखो यहाँ पे आप जाओगे तो आर्डिनो बोर्ड के अंदर देखो ये 0 और 1 नंबर की जो पिन दिख रही है आपको, ये RX और TX नाम की पिन होती है, ठीक है। जब अभी आपने क्या कर रखा है, अभी आप कंप्यूटर से जब कनेक्ट करते हो USB के माध्यम से तो इसके अंदर ये RX TX इंटरनली कनेक्ट होकर डायरेक्टली कंप्यूटर पर पहुंच जाती है, तो इसलिए हमको इसको अलग से कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। बट जब ब्लूटूथ से कम्युनिकेशन करेंगे तो ब्लूटूथ के RX TX को हमारे आर्डिनो के RX TX पे कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे ध्यान देना, ये वो अपन जो अभी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उसी को वापस आगे कंटिन्यू करता हूं। तो यहां पे जो आर्डिनो का RX है उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, लेट से कि हमारे पास में इसका फ्लो कैसे होगा, ये हमारा मोबाइल ऐप है, इस मोबाइल ऐप से आपने ए सिग्नल भेजा, इसके अंदर ऑलरेडी ब्लूटूथ है, इस ए सिग्नल वायरलेसली ट्रांसमिट होकर किधर गया, इस ब्लूटूथ के पास में गया, और ये ब्लूटूथ क्या करेगा अपने ट्रांसमीटर से TX वाली पिन को से डेटा आर्डिनो की तरफ भेजेगा, तो मुझे इसके TX को आर्डिनो के RX पे कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब TX stands for transmitter pin एंड RX stands for receiver pin, ठीक है। तो इस टाइप से करना पड़ेगा, उल्टा कनेक्शन TX को RX से और इसके RX को इससे TX से, मतलब जब ये ट्रांसमिट करेगा तो इसके रिसीवर पे रिसीव होगा वो, तो ये कनेक्शन हमको ब्लूटूथ के करना पड़ेंगे और ये ब्लूटूथ अल्टीमेटली हमारे मोबाइल फोन के ब्लूटूथ से वायरलेसली कनेक्ट होगा। अब आप पूछोगे सर इसका कनेक्शन कैसे होगा, तो जैसे नॉर्मल पेयरिंग होती है, हम लोग पेयरिंग कैसे करते हैं किसी भी डिवाइस को, तो जब आप इसको पावर दे दोगे, HC05 को जैसी पावर दे दोगे तो इसमें एक रेड कलर की LED चालू होगी, बहुत जल्दी जल्दी बंद चालू होगी वो, है ना। तो फिर जैसे ही आप वो चालू हो जाएगी तो आप आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी नई ब्लूटूथ डिवाइस को कैसे सर्च करते हो ना पेयरिंग करने के लिए, तो उसको ब्लूटूथ के अंदर जाके पेयरिंग के लिए सर्च करोगे, जैसे ही सर्च करोगे तो मोबाइल फोन के अंदर एक ऑप्शन आएगा HC05 के नाम से एक ऑप्शन आएगा, वो HC05 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे क्या बोलेगा कि पेयरिंग करना है क्या, तो हाँ आप बोलोगे यस पेयरिंग करना है, तो पेयरिंग करने के लिए वो बोलेगा इसका पासवर्ड डालो,
SC05 का, तो आप जो इसका पासवर्ड है वो 1234 इसका पासवर्ड आप एंटर कर दोगे इसके अंदर। जैसे ही आप एंटर कर दोगे तो ये ब्लूटूथ, हमारे मोबाइल फोन का जो ब्लूटूथ है वो मोबाइल फोन का ब्लूटूथ हमारे क्या बोलते हैं अपने आर्डिनो HC05 के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो कनेक्ट जैसे ही हुआ तो फिर क्या होगा, हम यहां से अपने मोबाइल फोन में, हमने आपको मैंने बताया था अपने जब हमने ऐप इन्वेंटर पे ऐप बनाएंगे तो हम लोग वहां पे बटन्स बना देंगे ए और बी नाम से। जैसे ही वहां पे ए प्रेस करेंगे तो वो सेंड करेगा ए सिग्नल, वो यहाँ रिसीव हो जाएगा, ये ट्रांसमिट से इसके रिसीवर भेजेगा और फिर अल्टीमेटली जो अभी प्रोग्राम चल रहा है सेम टू सेम प्रोग्राम, कोई भी अंतर नहीं प्रोग्राम के अंदर, एक रुपये का भी कुछ भी बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा, सेम प्रोग्राम चलेगा और वहां पे आप वायरलेसली आपके मोबाइल फोन से इस LED को चालू बंद करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो हमारा ये प्रोग्राम जो बना है ये हमारा एम ब्लॉक में बना है, यहाँ का कोड हमने कॉपी किया और कॉपी करके हम लोगों ने कहाँ पेस्ट कर दिया, हमारे पास में टिंकर कैड अवेलेबल है तो यहाँ पे सिमुलेशन करने के लिए हमने कोड को यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको अब चला के देखना है तो सिमुलेट करके देखा, यहाँ पे हमने ए प्रेस किया सेंड किया LED चालू हो गई यहाँ पे देखिए, और बी प्रेस करा तो LED आपकी सेंड करा तो LED आपकी बंद हुई। तो इस तरीके से हम लोग सीरियल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कैसे करते हैं इसको हम लोगों ने समझा है, ठीक है। मैं